अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव बनकर तैयार हो गई है। इसकी तस्वीर पहली बार सामने आई है। अब राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण होगा, जहां रामलला विराजमान होंगे। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू होगा, जिस पर पूरे राम दरबार का दर्शन होगा। दरबार में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ माता जानकी विराजेंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुसार मंदिर निर्माण में 4 चबूतरा 7 लेयर में बनेगा। इसकी ऊंचाई 21 फीट रहेगी, यानी एक लेयर 3 फीट की है। पहले लेयर का काम पूरा हो गया है, इसे और तेज करने की रणनीति बनाई गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक काम की प्रगति समय के अनुरूप ही चल रही है। राम चबूतरा के निर्माण में ग्रेनाइट स्टोन लग रहा है, जबकि राजस्थान में भरतपुर स्थित बंसी पहाड़पुर से 17,000 ग्रेनाइट स्टोन अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिसमें प्लिंथ में ग्रेनाइट पत्थर लगाए जाएंगे। दूसरी लेयर का काम चल रहा है, रोज़ 80 से 100 पत्थर लगाए जा रहे हैं। बंसी पहाड़पुर के पत्थरों के बारे में कहा जाता है कि इसकी क्वालिटी सबसे बेहतर होती है और साथ ही यह लंबे समय तक चमकता रहता है। चंपत राय के मुताबिक 2023 में गर्भगृह में रामलला को स्थापित कर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का लक्ष्य है। मई और जून के बाद गर्भगृह का बंसी पहाड़पुर के पत्थर से निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। राम मंदिर की सुरक्षा हाईटेक होगी। अयोध्या का राम मंदिर 161 फीट ऊंचा और 350 फीट लंबा होगा, जबकि इसकी चौड़ाई 255 फीट होगी। एक साथ 1,00,000 श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं 108 एकड़ के विशाल राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगी। भक्तों को श्री राम से जुड़े साहित्य और मूर्तियों के माध्यम से पूरे रामायण देखने की सुविधा भी मिलेगी। कुल मिलाकर श्री राम मंदिर धर्म अध्यात्म के साथ शिक्षा और संस्कार का देश का बड़ा मंदिर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PP न्यूज़।